ये परियोजनाएं मुख्यतः पानी से जुड़ी है, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी है, सीवर से जुड़ी है, कनेक्टिविटी यानी आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने से जुड़ी है। इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी नागरिक भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जापान द्वारा इसमें जो सहयोग किया गया है उसके लिए मैं जापान का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। भाइयों और बहनों, आज आप सभी इस बात से प्रसन्न होंगे कि बरसों पुरानी एक मांग आज पूरी हुई है। पूरे आगरा जनपद से लेकर मथुरा तक पानी की गंभीर समस्या रही है। जो जमीन का पानी है वो ज्यादातर खारा है, जिसके कारण वो पीने के योग्य नहीं रहा है। जिस यमुना जी की धारा ने यहां जीवन की संभावनाएं बनाई, समय के साथ उसी जीवनदायिनी का जल इतना दूषित हो गया वो पीने लायक नहीं रहा। यही कारण है कि अपर गंगा नहर से आगरा की प्यास बुझाने की योजना बनाई गई। आज करीब 3000 करोड़ रुपए की आगरा जल संपत्ति पूर्ति गंगा जल परियोजना का आप सभी के लिए समर्पित है। इससे इस पूरे क्षेत्र के लाखों परिवारों को पीने का स्वच्छ पानी मिलने वाला है। मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि नमामि गंगे मिशन के तहत यमुना जी की सफाई भी हमारी प्राथमिकता है।